स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इनिशियल हुक ऑफ आर एंड एल, यानी कि आर और एल के लिए जो शुरुआती हुक हम लगाते हैं वो कैसे लगाई जाती हैं, उसका यूज कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आर और एल के जो हम हुक लगाते हैं वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में भी लगते हैं और कर्व स्ट्रोक में भी, लेकिन दोनों में लगाने का जो मेथड होता है, तरीका जो होता है, वो बिल्कुल अलग है। तो देखिए, पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो है स्ट्रेट स्ट्रोक्स, यानी कि सीधे रेखाक्षर जो है उसके अंदर आर और एल की हुक आपने कैसे लगानी है। आप कोई भी स्ट्रोक लेते हो उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड होगी लेकिन जो मोशन होगी हाथ की वो मूव करेगी राइट की ओर, इस तरह से यूं। तो वो जो हुक होती है वो है आर के लिए इस तरफ, और ऐसे ही अगर आप लगाते हो राइट साइड और बनती कैसे है वो लेफ्ट मोशन से, वो हुक आपके एल के लिए। लेकिन हुक जो लगाते हैं उसकी खास बात क्या है, हुक लगते स्टार्टिंग में है लेकिन उसको जो हम रीड करते हैं स्पेलिंग के अंदर वो स्ट्रोक के बाद रीड की जाती है। मींस जैसे मैंने टी स्ट्रोक ये बनाया है, टी के ऊपर जो हुक लगाई मैंने उसको टी आर बोला जाएगा, आर को पहले आपने रीड नहीं करना है। सेम यहां पर टी और एल, उसको पहले लगाते हैं लेकिन उसको जो हम बोलते हैं उसको रीड जब करते हैं तो वो स्ट्रोक के बाद पढ़ी जाती है। तो एक वर्ड्स कुछ बनाकर देखते हैं। हमने लिखा प्रे, इट मींस पी, देन उसके बाद हमने लिखा आर, तो आपने जो हुक लगानी है वो पी के बाद इस तरह से लेफ्ट मोशन से। दोबारा देख लीजिए, यहां से हम हुक बनाएंगे तो वो पी फिर आर और देन उसके बाद जो भी वोवल का साइन मैंने लगाया है वो उसको आप रीड करोगे। हमने लिखा यहां पर ट्राई, टी के बाद आर, आई है यानी कि फर्स्ट प्लेस, डिप्थोंग्स में मैंने बताया आपको, इस तरह से आपने उसको रीड करना है। क्राई, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रोक है आपका के, उसके अंदर आपने हुक लगाने नीचे की तरफ, तो ये क्राई। और एल के जब हम हुक लगाते हैं जैसे प्लाई, उल्टी साइड यानी कि राइट साइड में इस तरह से, ब्लो कुछ यूं, प्ले इस तरह से हमने हुक लगानी है। फ्रेंड्स, जो आपके स्ट्रेट स्ट्रोक्स है उसमें हर एक स्ट्रोक जो है उसमें हम हुक लगाएंगे, बट कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होंगे जिसके अंदर हुक नहीं लगती है। कौन से स्ट्रोक्स होंगे? एक तो रे, आपको पता होगा क्यों, अगर हम इस साइड हुक लगाते हैं तो वो क्या लगता है देखने में, वे हमने बनाया है, इस तरफ हुक लगाते हैं तो वो ये बन जाएगा। और एच अपवर्ड के शुरू में हुक नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे सर्कल है, वे जो है उसके स्टार्टिंग में भी पहले से ही हुक है तो वहां पर भी हुक लगाना पॉसिबल नहीं होगा। सेम ये जो स्ट्रोक है उसके अंदर भी आप हुक नहीं लगा पाओगे। एच डाउनवर्ड जो है उसके भी स्टार्टिंग में सर्कल है, तो ये कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हैं जिसके अंदर हुक आप नहीं लगा सकते हो। दूसरा, अगर हुक आती है किसी स्ट्रोक के बीच में, ये था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हुक आए, अब अगर वर्ड्स के बीच में हुक लगानी पड़े, हमने एक वर्ड लिखा प्रॉपर, अब देख लो पी आर देन पी आर, पी के बाद हुक है, अगले पी जो है उसके बाद भी हुक है, तो आप इस तरह से लगाओगे। एल की हुक लगानी है बीच में, टोटल, इस टी के बाद एल है तो इसके बाद ही आप इसके ऊपर ही आप इसके स्टार्टिंग में यानी कि हुक लगाओगे इस तरह से। तो एल की जो हुक है वो आपने इस साइड रखनी है, आर की जो हुक है वो यहां पर रखनी है। अगर आता है टी के साथ में के या गे वगैरह, जैसे टॉक, अगर आपने लिखना है टॉकर, आर की हुक हमने दिखानी है, तो आप इस स्ट्रोक को बनाते टाइम ऐसे कैसे ऊपर की तरफ पेन को लेके जाओगे और नीचे जो हुक बचेगी वो आर के लिए होगी। जैसे आपने देखा ना कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, एल के लिए हुक बचानी है आपने, रिप्लेस, देखो रिप्लेस आर वर्ड, और उसके बाद पेन आप नीचे की तरफ लेके आओगे और यहाँ पे जो हुक बचेगी वो एल, जैसे आप देख सकते हो इसमें था। अब बात करते हैं कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स के अंदर जो हुक लगाते हैं ऊपर की तरफ छोटी हुक आर के लिए, और ऊपर की तरफ ही एक बड़ी हुक लगाओगे वो
एल के लिए होगी, इट मीन्स इसको रीड जब आप करोगे एफ आर एफ एल, एक स्ट्रोक और देख लेते हैं, अगर पतली हुक लगाई तो एम आर, उसी हुक को चौड़ा किया तो एम एल। लेकिन जो एक कर्व स्ट्रोक है इश, उसके अंदर आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ जो छोटी हुक लगाओगे वो इश आर, और नीचे से ऊपर यानी कि जब आप एल हुक लगाते हो तो वो अपवर्ड बनता है, इश के साथ में एल जब बनाओगे वो डाउनवर्ड नहीं बन सकता है, वो नीचे से ऊपर जाएगा। कुछ वर्ड्स बनाते हैं, प्रेशर, इसमें देख लो शे के साथ रे, टी के अंदर आर की हुक और इश के अंदर फिर से आर छोटी हुक, लेकिन हमने लिखा ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी कि इश के साथ एल, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ एक बड़ी हुक आप लगाओगे। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था वो इनिशियल हुक का था, काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक था आपके लिए, तो जिसमें हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स और कर्व स्ट्रोक्स के अंदर इनिशियल हुक लगाना किया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए स्टेनो क्लासेस पे, तब तक के लिए जय हिंद।